जिस दिन से संदीप रेड्डी बांगा सिनेमा में आए हैं तब से वो सिनेमा में आग लगाए हैं, क्योंकि उनकी हर फिल्म पर कंट्रोवर्सी होती है और उनकी हर फिल्म पर पब्लिक रोती है, क्योंकि वो बिना फिल्टर के सिनेमा बनाते हैं और अपनी हर फिल्म से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फोड़ जाते हैं। लेकिन उनकी एनिमल फिल्म के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि अभी विद्या बालन जो अपनी फिल्म दो और दो के प्यार के प्रमोशन के काम में लगी हुई है, और इसी के दौरान उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एनिमल फिल्म के बारे में कहा है कि ये फिल्म लगातार सुर्खियां बटोर रही है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफी अच्छा किया है, इसलिए संदीप रेड्डी वांगा क्षमा प्रार्थी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना दूसरा अनुमान नहीं लगाया कि पब्लिक क्या चाहती है। और संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी इस फिल्म को निडरता से सभी के सामने परोसा और पब्लिक इस फिल्म से अपना एक सेकंड भी ध्यान नहीं हटा पा रही थी। तो बस ये उनकी कहानी कहने का एक तरीका है जिसे पब्लिक ने काफी पसंद किया है। लेकिन वही यूपीएससी एजुकेटर विकास दिव्य कीर्ति ने अपने एक इंटरव्यू में एनिमल फिल्म के बारे में कहा है कि एनिमल फिल्म एक फॉर्ड और बदतमीज फिल्म है और एनिमल जैसी फिल्में हमारे समाज को 10 साल पीछे ले जाती हैं और इस तरह की फिल्में तो बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी फिल्म के अंदर अपने हीरो को दिखाया है कि वो जानवरों की तरह बर्ताव करता है, सरेआम मार काट करता है, लेकिन हमारे फिल्मों के अंदर कुछ सोशल वैल्यू होनी चाहिए, या फिर सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए फिल्में बना रहे हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक ने तो इस फिल्म को काफी पसंद किया है। देखो, एनिमल फिल्म से प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि ये फिल्म सुपर हिट हो गई और सभी पब्लिक की नजरों में आ गई, जिससे एनिमल फिल्म वायरल हो गई और इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी फोड़ डाला। लेकिन ज्यादातर लोग एनिमल फिल्म के खिलाफ में इसलिए बोल रहे हैं कि ये फिल्म सभी जगह पर बहुआयात में देखी गई है, फिर चाहे वो थिएटर हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, पब्लिक ने इस फिल्म को काफी इंजॉय किया है। लेकिन इसी के साथ में बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आती है जिसमें इससे भी ज्यादा ब्रूटलिटी और कॉन्ट्रोवर्सी रहती है, लेकिन वो सभी फिल्में नहीं चल पाती है और इसलिए वो सभी फिल्में सुर्खियों में नहीं आ पाती हैं, पर फिर ना ही सभी लोग उन फिल्मों पर कमेंटबाजी भी कर पाते हैं। जैसे अभी रिलीज हुई पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दी गोट लाइफ, जिसमें इतने अच्छे टॉपिक को उठाया गया जो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी शानदार और जानदार फिल्म होने के बाद भी और कोई भी ना तो इस फिल्म के बारे में अच्छा बोल रहा है और कोई भी ना इस फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। तो देखो, मेरा तो मानना ये है कि फिल्में आती है हमारा मनोरंजन करने के लिए, तो आप फिल्म को देखो और भूल जाओ। उस फिल्म के ऊपर या किसी भी फिल्म के ऊपर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी और इतनी बातचीत करने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन सभी की अपनी अपनी मर्जी होती है और वो किसी भी फिल्म के अंदर क्या देखते हैं ये भी उनका ही नजरिया होता है। लेकिन मैं आप सभी को हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि आप एक बार पृथ्वीराज सोमारन की फिल्म दी गोट लाइफ को जरूर देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली फिल्में क्या होती है और असली सिनेमा कैसा होता है। और ये फिल्म कुछ टाइम के लिए आपकी जिंदगी को जरूर बदल कर रख देगी, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना, पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दी गोट लाइफ को। और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना, पृथ्वीराज।